हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी वेज रसोई में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है ये पिज़्ज़ा, जिसको देख के मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। और जैसे कि कोरोना चल रहा है तो आप लोगों को पता है बाहर से कहीं से खा नहीं सकते हैं, तो आप घर पर ही ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, ये देखिए बहुत ही यम्मी है, बहुत ही आसानी से जल्दी घर पर बन जाता है। देखिए इसकी ब्रेड, तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी मैदा ली है, इसको हमें अच्छे से छान लेना है। और ये मैंने गुनगुना पानी लिया है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दूँगी और उसको अच्छे से घोल लूँगी। हमारी शक्कर अच्छे से घुल गई है, तो मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच ईस्ट लिया है, ये ड्राई ईस्ट है, ये मैंने इस कंपनी का ईस्ट ऐड लिया है। ईस्ट डाल के हमें इसको अच्छे से मिला के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो अब मैंने अपनी मैदा में 1 चुटकी नमक डाला है और हमारे 10 मिनट हो गए हैं, तो हमें अपना ईस्ट का जो पानी था उससे हमें अपना आटा लगाना है। और हमें थोड़ा जो पिज़्ज़ा का जो डो है उसको थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और इसको थोड़ा अच्छे से मसल के मारना है। ये हमारा आटा अच्छे से लग गया है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है और ऊपर से अब आटे के ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा दिया है। और इसको इस तरीके से मैंने देखो गोले जैसे आकार का इसको बना दिया है। अब इसको हमें 2 घंटे के लिए किसी बर्तन से ढक के रख देना है। 2 घंटे हो गए हैं, हमारा ये डो देखिए किस तरीके से फूल गया है, इसमें खमीर अच्छे से उठ गया है। तो अब हम इसको बराबर पार्टीशन में काट लेते हैं और अब इन्हें निकाल लेते हैं। यह जो हमने इसे काटा है, हमने ये चारों अलग अलग कर लिए हैं। अब हमें इनको इस तरीके से नीचे की तरफ दबाते हुए इनकी अच्छी सी लोइयां बना लेनी है, ऐसे थोड़ा सा ऑयल लगा के इनको फिर से हमें 1 घंटे के लिए रख देना है। इनमें ऑयल लगा के और इनको 1 घंटे के लिए फिर से ऐसे ढक के रख देना है। तो 1 घंटा हो गया है, हमने जो बनाए थे बोले ये लोइयाँ ये काफ़ी फूल गई हैं, तो चलिए अब हम इनका बेस बनाते हैं पिज़्ज़ा। हमें अपने चकले पे थोड़ा सा हमने अपना मैदा ये लगा लिया है, इसके ऊपर हमें इसको रखना है, इसको अच्छे से ऐसा कर लेना है। अब इसे मोटा मोटा बेलना है, ये हमने इसको ऐसा मोटा बेल लिया है। तो अब हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे, हम कढ़ाई पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, ये मैंने कढ़ाई ली है, ये मोटे मोटे तल की ही कढ़ाई लेनी है, इस तरीके से मोटी हो। इसमें हमने ये नमक डाल दिया, इस नमक को मैंने 3-4 बार और यूज़ कर रखा है, तो इसकी वजह से इसका कलर ऐसा हो गया। आप भी इसको आप लोग भी बार बार यूज़ कर सकते हैं, एक नमक आप एक बार बना लीजिए। हमको अब इसको गर्म होने के लिए रख देना है। प्लेट ले रही हूँ मैं, इसी प्लेट में अपने पिज़्ज़ा को बेक करूँगी, तो इसमें मैंने ऑयलिंग कर ली है। और ये जो मेरा पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया था इसको मैंने इस पर डाल देना है। ये हमको पिज़्ज़ा साइड से थोड़ा मोटा रखना है, इस तरीके से हमने साइड से थोड़ा मोटा टाइप का बनाना है। ये फूल है ना, इसलिए हमें इसको ऐसे कर देना है। इस पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, मैं इस कंपनी का लगा रही हूँ, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, काफ़ी अच्छा होता है इसका सॉस। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, ये कसनी लिया है, इससे हम इसको डाल देते हैं। ये मैंने कुछ सब्जियाँ काटी हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कॉर्न्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। चलिए मैं सब्जियाँ इन पर रखती हूँ। ये हमने इसमें अपनी वेजिटेबल रख दी, आप लोग चाहो तो कॉर्न पनीर बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से इस पर अच्छा सा चीज़ डाल दीजिए, इस पर 1 चुटकी हल्की सी काली मिर्ची डाल देते हैं। तो हमारा ये अच्छे से गर्म हो चुका है, काफ़ी हीट आ रही है, तो अब हमें इसमें एक स्टैंड डालना है। और हमने ये जो पिज़्ज़ा बनाया है इसको इस पर 30 मिनट के लिए पकने के लिए मैं इसमें चेक करते रहेंगे। हमारा ये कढ़ाई पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है,
चलिए इसको हम सर्व करते हैं। मेरा ये कढ़ाई पिज्जा बनके तैयार है, और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। इसका बेस जो बनता है वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए साइड से इसमें कितनी अच्छी जाली पड़ी है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। और आप लोग भी मेरी इस रेसिपी से अपने घर पे पिज़्ज़ा बनाइए। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।